हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नारियल के बुरादे के बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी। और ये देखिए, आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ बहुत ही। ये देखिए, आप देख सकते हो नारियल लड्डू कितने हमारे सॉफ्ट बने हैं, एकदम मुँह में घुल जाने वाले बने हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस लड्डू की रेसिपी बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये लड्डू बनाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, इसमें एक छोटा चम्मच देसी घी का डाल देंगे। देसी घी का ही डालना फ्रेंड्स, इससे ही टेस्ट इसका अच्छा आता है। और अभी हम घी को नॉर्मल गर्म होने देंगे, ज़्यादा गरम नहीं होने देंगे। नॉर्मल गरम होने के बाद हम इसमें ये 2 कटोरी नारियल के बुरादे की डालेंगे। मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये 2 कटोरी हमने नारियल के बुरादे के डाल दिए हैं। अभी हम इसको एकदम गैस को लो फ्लेम रखेंगे और इसको 3-4 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि इसको हमें लगातार ऐसे चलाते रहना है, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा जलने का डर रहता है इसको। या 2 या 3 मिनट इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, ज़्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है। बस थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाए, थोड़ा सा गीला हो जाए, क्योंकि नारियल भी अपना मॉइस्चर छोड़ देगा। तो ये देखिए, 2-3 मिनट बाद में देखिए थोड़ा थोड़ा गीला दिख रहा है नारियल का बुरादा, तो ये अच्छे से मॉइस्चर अपना छोड़ दिया है। अभी हमें क्या करना है, जितना हमने नारियल का बुरादा लिया है, 2 कटोरी हमने नारियल के बुरादे की ली है, तो इसमें 1 कटोरी दूध का डालेंगे। मेजरमेंट का आप ज़रूर ध्यान दे लोगे तो सच बता रही हूँ, आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। तो ये देखिए, दूध को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक इसको चलाते रहेंगे, जब तक ये नारियल का बुरादा दूध को अपने अंदर अब्जॉर्ब ना कर लें, अपने अंदर सोख लें, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। और ऐसे ही लगातार इसको दबा दबा के ऐसे मिक्स करते हुए हमें इसको चलाते रहना है। बीच में हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो 2 मिनट में ये हो जाता, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। तो ये देखिए, दूध अच्छे से सोख लिया, आप देख पा रहे होंगे अलग ही इसका कलर चेंज हो गया एकदम। और ये देखिए, दूध को अच्छे से सोख लिया है बुरादे ने, बहुत ही जल्दी सोख लेता है। तो इसको थोड़ा और इसको चला देते हैं। टोटल दूध डालने के बाद हमें इसको 2 मिनट अच्छे से चलाते रहना है। गैस को हमें मीडियम लो फ्लेम में रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं देखिए बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, आपको मैं सारा वीडियो दिखा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने ये किस तरह बनाया है। और ये देखिए, अच्छे से नारियल का बुरादा दूध को अच्छे से सोख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी हमें कितनी लेनी है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि नारियल का 2 कटोरी लिया है, उसी का 1 कटोरी हम चीनी लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम चीनी पीस के लें, ऐसे भी हमने ये साबुत चीनी लिया है, क्योंकि इसमें पीसने की चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाती है, जैसे जैसे चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी, तो ये नारियल का बुरादा एकदम गीला हो जाएगा। और थोड़ा इसको और जैसे 4-5 मिनट और चलाएँगे तो ये अच्छे से डो के रूप में फिर से आ जाएगा। एक बार ये गीला होगा, लेकिन हमें इसको ऐसे लगातार चलाते रहना है। तो 4-5 मिनट हमें इसको चलाते रहना है। और अभी देखिए, आपको नारियल का बुरादा थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चीनी गर्म होगी और इसमें घुलेगी, मेल्ट होगी, तभी अपने आप इसमें अच्छे से मॉइस्चर आ जाएगा, एकदम ये बुरादा गीला हो जाएगा। तो आप ज़रूर लगातार वीडियो में बने रहें। तो ऐसे हमें इसको चलाते रहना है। गैस को हमें फिर से, मैं यही बता रही हूँ कि मीडियम लो फ्लेम में रखना है, क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जल जाता है, इसके कारण हमें मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अगर हम इसको टोटल 10-11 मिनट दे देंगे तो लड्डू हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, देख पा रहे होंगे एकदम, ये देखिए एकदम गीला हो गया है बुरादा, कितना एकदम जैसे अलग ही दिख रहा है। तो इसको हम और चलाएँगे, और इस टाइम अगर आपको ध्यान दे रहे हो तो गैस को इस टाइम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम भी कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए।
लेकिन अगर आपको पहली बार बना रहे हो तो गैस को एकदम लो फ्लेम पे ही रखना है, क्योंकि ये नारियल का बुरादा जल जाएगा तो लड्डू हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मीडियम लो फ्लेम करोगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे से बन जाएगा। मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम पे ही कर रखा है, क्योंकि मैं ये लगातार ऐसे चला रही हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे अपने वापस डो के रूप में आ रहा है। एक बार ये एकदम गीला हो गया था, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पका रहे हैं वैसे वैसे फिर से डो के रूप में आ गए हैं। अभी हमें क्या डालना है इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए, 3 छोटे चम्मच हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको मिल्क पाउडर नहीं लेना है। अगर आपने ज़्यादा मिल्क पाउडर ले लिया तो अगर जब हम लड्डू खाएंगे तो दांतों के चिपकेगा, तो हमें थोड़ा ही लेना है और इसको अच्छे से चला देंगे। ये फ्रेंड्स एकदम मावा जैसा टेस्ट देगा, जब हम खाएंगे लड्डू तो एकदम मावा जैसा इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो इस टाइम आप डाल सकते हो। और ये मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको 3 मिनट अच्छे से चला लेंगे, जिससे मिल्क पाउडर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और एकदम ये डो के रूप में आ जाएगा। तो इसको हमें और चला लेना है 3-4 मिनट। तो टोटल हमें चीनी डालने के बाद इसको हमने 7-8 मिनट चलाया था, तभी अच्छे से हमारा डो के रूप में आया है। तो इसको थोड़ा चला लेते हैं। तो ये देखिए एकदम बीच बीच में एकदम एक देखिए सूखा लग रहा है, अभी एकदम डो जैसा बन रहा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया तो आप बहुत ही टेस्टी आप लड्डू बना पाओगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये देखिए अच्छे से हमारा ये बन गया है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा मैं चला रही हूँ, कढ़ाई गर्म है क्योंकि लगने का डर है। तो इसको मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ा नॉर्मल ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा होने देंगे कि हम इसको हाथ लगा सके, लड्डू बना सके। बस थोड़ा सा इसको फैला दिया है, अभी इसको ये 2-3 मिनट में थोड़ा नॉर्मल ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, ये ठंडा हो गए, हाथ लगा सकते हैं। और इधर अलग प्लेट में मैंने ये सूखा बुरादा लिया है, जैसे हम इसकी गार्निश करेंगे लड्डू की। तो थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेना है या ऑयल लगा सकते हो। ऑयल आपको रिफाइंड लगाना है, रिफाइंड ऑयल में कोई महक नहीं होती। अगर घी लगा रहे हो तो बहुत अच्छा है, तो हाथों पे घी लगा के इसको ऐसे लड्डू बना लेना, बहुत ही इजी तरीका है इसका लड्डू बनाना। ये देखिए दोनों हाथों से ऐसे घुमा घुमा के इसके एकदम बॉल जैसा इसको बना देना है, और बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। और इसको थोड़ा सा ऐसे इसमें डालेंगे सूखे बुरादे में, थोड़ा ऊपर से ऐसे लगा देंगे, इससे दिखने में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ऐसे फिर से घुमा देंगे हाथ से, जिससे एक्स्ट्रा जो बुरादा है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसमें ये नारियल का बुरादा लगा दिया है, और देखने में ये देखिए कितना प्यारा ये लड्डू लग रहा होगा। और जैसे ये ठंडा होगा और भी सेट हो जाएगा, मैंने आपको तोड़ के दिखाया था, बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बने हैं। तो एक बार फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे या कोई भी फेस्टिवल हो, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो सच में बता रही हूँ ये 15 मिनट में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए ऐसे ही हमें लड्डू बना लेना है, ये भी ऐसे देखिए बॉल की तरह इसको बना लेना, आसानी से बन जाता है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। और इसको भी हम नारियल सूखा नारियल के बुरादे से ऐसे लगा देंगे, और थोड़ा सा ऐसे हाथों में मिला के एक्स्ट्रा जो होता है वो निकल जाएगा। और ये देखिए इसी तरह हमें लगा लेना है, सभी ऐसे ही लड्डू बना लेंगे। तो फिर मैं दोनों को आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। अगर सारे लड्डू मैं आपको दिखाऊंगी बनाते हुए तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो सभी ऐसे ही लड्डू बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए सारे लड्डू हमने बना के रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसमें अलग से कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इलायची पाउडर, क्योंकि नारियल खुद एक फ्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी रेसिपी लड्डू के आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।